मॉड्यूल वन हंड्रेड एंड नाइन्टी वन काजिज ऑफ साइक्लोथमिक डिसडर बायोलॉजिकल काजेज सो वी विल सी कि ऐसे कौन से बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि साइक्लोथैमिक डिसडर को डिवेलप uh, कर सकते हैं सो नंबर वन इज़ द जेनेटिक फैक्टर जिस तरह हम बात करते हैं कि जो बायोपोलर डिसऑर्डर्स होते हैं अगर वो फैमिली uh, के अंदर रन कर रहे हों तो बहुत हद तक चांसेस होते हैं कि वो नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर भी आ जाए अब इसको आप यू अंडरस्टैंड कर सकते हो जैसे अगर आइडेंटिकल ट्विन्स हैं तो ये कहा जाता है स्टैटिस्टिकली कि 40 परसेंट चांसेस होते हैं कि उनके अंदर uh, जो साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर है अगर एक के अंदर है तो दूसरे में भी हो इसी तरह जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं उसके अंदर ये रेशो फाइव टू टेन परसेंट है एज़ कम्पेयर टू द जनरल पॉपुलेशन जहाँ पर ये रेशो वन टू टू पॉइंट सिक्स परसेंट है तो जेनेटिक एक बहुत आ, बड़ा फैक्टर जो है वो कंसिडर किया जाता है साइक्लोथमिक डिसऑर्डर के अंदर देन वी विल टॉक अबाउट द ब्रेन स्ट्रक्चर तो जब हम ब्रेन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आ, जो रिसर्च हैं एम आर आई की वो ये प्रजेंट करते हैं कि इनका जो आ, ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है वो एज़ कंपेयर टू अदर जनरल पॉपुलेशन डिफरेंट होता है उसके अंदर ये रिपोर्ट किया जाता है कि जो बेसल गेंगला है सेरिबालम है प्री फ्रंटल कॉटेक्स है इसके साथ साथ जो मेगला है उसका जो साइज़ है वो एज़ कम्पेयर टू अदर स्मॉल होता है ठीक है तो उसकी एक वजह से जो स्ट्रक्चरल चेंज है उसकी वजह से भी साइक्लोथीमिया के जो पेशेंट हैं उनके अंदर एक कॉज ये भी रिपोर्ट की गई है देन द नोट्रांसमीटर्स नीरो ट्रांसमीटर्स में जो सेरेटोधीन लेवल है वो इन लोगों में लो होता है लेकिन जो सेरेटोजीन लेवल है वो साइक्लोथीमिया में अलोन वर्क नहीं कर रहा होता बल्कि वो इन रिलेशन टू नॉर और डोपामिन के रेफरेंस में आ, काम करता है अब होता क्या है कि चूंकि सेरेटोदिन लेवल ऐसा है जो कि आपके इमोशंस को रेगुलेट करता है तो जब ये इम्बेलेंस होता है तो उसकी वजह से जो मूड के ईशोज होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और इसकी इरेगुलरिटी की वजह से जो नॉर्एपिनोरीन है और जो डोपामीन के लेवल हैं वो भी इम्बैलेंस हो जाते हैं तो जो नीरो की जब हम बात करते हैं तो ये तीन नीरो एक आ, टीम की फॉर्म में वर्क कर रहे होते हैं अगर इनका बैलेंस इम्बैलेंस हो जाए तो उस वक्त साइक्लोथमिक डिसऑर्डर होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं थैंक यू